पुश किया, हिट किया, फिगर फोर में वैसे डाउन लाया, ऊपर खींच दिया, डाउन, टेक द नाइफ, कट हिम, पुश, दैट्स इट। अगर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फाइट को 3 सेकंड में कैसे फिनिश कर सकते हैं, और इवन जब कोई आपको नाइफ से थ्रेट कर रहा हो, तो देखिए किस तरह से आप करेंगे। जब यहां पर किसी ने आपको नाइफ टच किया, बॉडी के कहीं नीचे वाले लेवल पे नाइफ हो, तो आप उसे किस तरह से करेंगे। आप लोगों को सिंपली नाइफ को पुश करना है और आइस को हिट करना है। तो पहली चीज आप लोगों को समझना है कि अगर आप इस साइड को किसी भी साइड को मूव करेंगे तो आप रेंज में हैं। अगर आप इसे पुश करने के बाद इस साइड चले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाहर आपका होगा नहीं। तो आपको सिंपली करना क्या है कि अपने हाथ जो है उसे थोड़ा ऊपर कर लेना है, क्योंकि नाइफ फाइट में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी गर्दन कटवा रहे हैं, पेट कटवा रहे हैं, आंते कटवा रहे हैं, या आप अपने हाथ कटवा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अगर हाथ कट जाते हैं और किसी तरीके से मैं नाइफ पकड़ ही लेता हूं, ओके, और मेरा हाथ थोड़ा बहुत कट जाता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें भी क्या है कि कम से कम मैं जिंदा घर जा सकता हूं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि जो माइंड सेट है उसे इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि हम एटलीस्ट नाइफ को पुश करके होल्ड कर ले, चाहे उसमें हमारा हाथ वगैरह कटे। स्ट्रीट फाइट में जब तक बहुत प्रेशर के साथ नाइफ अंदर नहीं जाता है तो आपकी बॉडी में नहीं घुसेगा, ये भी एक फैक्ट है। अब इस तरह से अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप उसे सारे सामान दे दे और जाएं। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको लगता है कि ये आपको जान से मारेगा, तो आपको करना क्या है कि यहां पर सबसे अच्छी ट्रिक है, आप सबसे पहले सरेंडर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आप सरेंडर कर लेंगे कि मुझे फाइट नहीं करनी है। जब ये आपकी पोजीशन है, आप लोगों को अपना सेटअप बना लेना है पुश करने का और आइस को हिट करने का। तो अब देखते हैं, जैसे ये आता है मुझे थ्रेट करता है, मैंने क्या किया, मैंने मना किया हिट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में जब आपको थ्रेट कर रहा है तो आप लोगों को इसको जल्दी से पुश करना है, आइस में हिट करना है। फिर अगर आपको फिगर फोर आता है तो वेल एंड गुड, फिगर फोर नहीं आता है तो आप सेकंड लॉक यूज कर सकते हैं, इस साइड को आप पुश कर सकते हैं, ही विल गो डाउन। यहां शोल्डर को अगर आप होल्ड करेंगे और पुश करेंगे पीछे, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे चला जाएगा। यहां पे आप रख लीजिए अपना पैर और नाइफ ले लीजिए, ओके। फिगर फोर में करके देखते हैं इसको, जो आपने इंट्रो में देखा, जैसे ही उसने नाइफ किया, वो थ्रेट कर रहा है, मैं यहां पे हूं, मैंने पुश किया, हिट किया, फिगर फोर में वैसे डाउन लाया, ऊपर खींच दिया, डाउन, टेक द नाइफ, कट हिम, पुश, दैट्स इट। अगर आपको जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा था, ये आपका वो लॉक है, फर्स्ट लॉक, आप इस फर्स्ट लॉक को यूज करके उसे कंट्रोल करके भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसे ऊपर करूंगा उसे पेन होगा, ऑलराइट, जैसे ऐसे करूंगा देखो कि इसका मेरे पास कंट्रोल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन क्विक 3-4 स्टेप्स। पहला स्टेप है, जैसे उसने आपको थ्रेट किया, आपने हाथ ऊपर कर लिए, और दूसरा आपका पुश है, तीसरा आपका हिट है, और चौथे में आपको ये हाथ पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना है। कंट्रोल अगर आप लॉक के साथ करेंगे, पिछला वीडियो हमने लॉक का बनाया था, उसे आप जरूर देखिएगा, ये लॉक का किया था, या आप अगर लेना चाहते हैं तो नाइफ हम सिंपली यहां से पुश करते हैं, इस साइड से हम यहां से पुश करेंगे तो नाइफ हमारे हाथ में आ जाता है, आप उसे सरेंडर करने में मजबूर कर सकते हैं। अगर आप यहां कहीं नाइफ प्लेस कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सरेंडर कर लेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सेफली प्रैक्टिस करें और किसी गाइडेंस में ही प्रैक्टिस करें, और हो सके तो जो नाइफ हो वो लकड़ी का ही नाइफ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।